बेटा हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 8 है ये सबके नाम, ठीक है ना। मैंने एक बार नाउन में या संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ को हम नाम से जानते हैं। जैसे हमारा हमारे पेरेंट्स ने नाम रखा है तो लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं ना। कोई चीज़ हो तो हम उसके उसके नाम से जानते हैं कि टेबल है, चेयर है ये, ठीक है ना, कि ये लाल किला है या रेड फोर्ट है। तो कई बार क्या होता है कि हम बात करते हुए हम अपने नाम की जगह और शब्दों का यूज़ करते हैं, जिससे भी सामने वाला समझ जाता है कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे ज्योति गुप्ता पे क्लास टीचर हैं, तो आप लोग सोचने लग जाओगे कि ये कौन सी मैम है, ज्योति गुप्ता पता नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, तो आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ लोगे ना कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। तो अपने आप को समझाने के लिए मैंने कौन से शब्द यूज़ किए हैं, मैं और मेरा, कि मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। तो मैं और मेरा शब्द से आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना कि मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग होमवर्क भेजते हो, ठीक है, मान लो जैसे शिवम है अपना होमवर्क भेजता है, मैं उसको किस दिन बोलूँ कि शिवम ने होमवर्क नहीं भेजा, शिवम को ही मैं बोल रही हूँ कि शिवम ने होमवर्क नहीं भेजा, ठीक है। वो सोचेगा कि मैम पता नहीं कौन से शिवम की बात कर रही है। अगर मैं उसको बोलूँ कि शिवम आपने अपना होमवर्क नहीं भेजा, आपने और अपना दो शब्द ऐसे आ गए जिससे उसको क्लियर हो जाएगा कि मैम मुझसे ही पूछ रही है कि मैंने अपना होमवर्क क्यों नहीं भेजा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपने नाम की जगह और शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम कौन कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाम की जगह प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सबके नाम होते हैं, ठीक है ना। अपने लिए प्रयोग में किए जाने वाले शब्द मीन्स हम जब अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम कौन कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं, मैं, मुझे, मेरा, अपना, ठीक है। अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने आप से बात कर नहीं सकते, हम हमारे सामने कोई होगा जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना, तो हम उसके लिए कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, तुम, आप, आपका, तुम्हें, तुमसे, तुमने, आपने, ठीक है ना। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ना वो मेरे बारे में बात कर रही हैं, ना मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, हम किसी तीसरे व्यक्ति में बात कर रहे हैं, अपने ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड या किसी और के बारे में भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन, जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, वह, उसका, उनका, यह, इसका, ठीक है ना। तो इस मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम नाम की जगह और शब्द यूज़ करते हैं, जैसे आप, मैं, तुम, हम, हमने, हमारा, वह, उसका, उनका, ठीक है ना, ये शब्द क्या होते हैं, सबके नाम, ठीक है। तो हम अपनी बात को कई बार क्लेरिफाई करने के लिए हम इन शब्दों को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें लाइन के अकॉर्डिंग ही अपने इन शब्दों को यूज़ करना है। जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, ठीक है ना, तो मैं मेरा ही लगाऊंगी ना। अब ये नहीं है कि मैं इसका नाम ज्योति गुप्ता है, तो इसे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम है, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हमें सही जगह पर यूज़ करने हैं। ओके okay।